जबलपुर के शाहपुरा में 3 साल की मासूम से दरिंदगी के बाद अब विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया है। जबलपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला और पोस्टर जलाया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं है, लिहाजा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफा दे देना चाहिए। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रसल चौक पहुंचे और वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका। इस दौरान विधायक विनय सक्सेना, कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत बुरा दिन लेके आया है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। 3.5 साल की बच्ची के साथ दुर्दांत बलात्कार हुआ है। मतलब वो खेत में उसके माँ बाप थे, काफ़ी दूर बच्ची मिली है, खून से लथपथ। थाने में रिपोर्ट लिखाने गए, थानेदार ने रिपोर्ट नहीं लिखी। हमारे संजय यादव जी ने और सारे विधायकों ने प्रेशर बनाया, तब जाके रिपोर्ट लिखी, तब जाके बच्ची के MLC हुई। MLC के बाद ही सारी प्रक्रिया शुरू होगी। अब हम लोग प्रशासन से मांग करेंगे, लड़ाई करेंगे। कल से हमारा धरना शुरू होगा और आज उसी तारतम्य में अभी पूरे कांग्रेस जन ने मध्य प्रदेश सरकार का शिवराज का पुतला दहन किया है। ये लोग बड़े बेशरम लोग हैं, पुतला उतला जलाने से इनका कुछ होएगा नहीं। अब तो सरकार को हटाने की बारी है। इस तरह के ऐसे गंदे लोग जो सरकार में बैठे हैं, जिनके लिए जिनके आँख का पानी मर गया है, शर्म मर गई है, उनके लिए न 2 साल न 3 साल न 4 साल 5 साल की बच्ची कोई मायने नहीं रखती। ये हम लोगों के लिए बहुत पीड़ा वाली बात है। पूरा आदिवासी परिवार आज एल्गिन में बैठा हुआ है, बहुत पीड़ित है और बहुत सहमा हुआ है। उनको ऐसा भी लग रहा है कि अभी डराया धमकाया जाएगा। तो कांग्रेस परिवार उनके साथ है, हम लोग उनके लड़ाई न्याय की लड़ाई पूरी लड़ेंगे और उनको पूरा हक दिलाएंगे। जय भारत जय। ये मध्य प्रदेश की धरती पर पुनः एक ऐसी विभत्स घटना हुई है जिसने एक बार फिर से मध्य प्रदेश की धरती को पूरे भारतवर्ष में कलंकित करने का काम करा। शहपुरा गांव की एक बच्ची जिसकी उम्र महज 3.5 वर्ष है, वहाँ के कुछ दरिंदों ने उसके साथ बलात्कार करा और उसने उन्हें अपराधियों ने जो किरत करा, साथ में जो पुलिस प्रशासन का रवैया था वह भी उनसे कम नहीं था। ये घटना लगभग 3 से 4 बजे की थी रात की। 12 बजे तक उस परिवार को टॉर्चर किया गया, पुलिस थाने में बैठे रहे, FIR की गुहार लगाते रहे। 6 घंटे के अंदर ना MLC करी गई ना कुछ पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। जब वहाँ के हमारे विधायक मानी संजय यादव जी को इस घटना की खबर लगी, वे थाने पहुँचे तो आनंद फानंद में पुलिस वालों ने उस समय रिपोर्ट दर्ज करी। जब शहपुरा से यहाँ तक लाने की जो दूरी लगभग 35 किलोमीटर है, उस दौरान भी पुलिस वैन में जब वो बच्ची और बच्ची का परिवार था, 10 बार वो वैन रुकी, 10 बार उनको कौन निर्देश दे रहा था, कौन उनको वहाँ से डायरेक्ट कर रहा था, क्या उनको सलाह दे रहा था, किसी को कुछ नहीं पता। जो दूरी मात्र 1/2 घंटे में पूरी की जा सकती थी, 1.25 घंटे पुलिस वालों ने उसमें विलम्ब लगाया। इस तमाम घटना को लेके आज कांग्रेस पार्टी ने यहाँ रसल चौक पे मुख्यमंत्री का पुतला दहन करा है और ये बात यहाँ तक नहीं रुकने वाली। शहपुरा भी बंद कराने जा रहे हैं हम लोग और आज जिस तरीके की घटना इस मध्य प्रदेश की धरती में हुई है, इसका परिणाम आगे आने वाले चुनाव में शिवराज सिंह जी को भुगतना पड़ेगा। मानवीय कृत्य जबलपुर शहर में हुआ। शहपुरा थाना अंतर्गत नटवारा में माता पिता के सोती हुई साथ में एक छोटी सी 3.5 साल की बच्ची को अपराधी उठा के ले गए और पुलिस ने और बड़ा काम किया। रात को 1 बजे से सुबह 11 बजे तक रिपोर्ट नहीं लिखी और पुलिस ये कहती रही वो तो मिसिंग है। अगर पुलिस रात को ही एक्टिव हो गई होती तो बच्ची को उठाने वाले पकड़े जाते और दुष्कर्म होने से रोका जा सकता था। लेकिन इस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी जो अपने आप को लाड़लियों के सबसे बड़े मसीहा बताते हैं, उनके राज में पुलिस को ये कहा गया कि किसी भी हालत में रिपोर्ट ना हो और ये मामला दबा दिया जाए, जिसके खिलाफ आज सड़कों पर कांग्रेस है। और हम इस पिटिया को जो आज हिंदू चैत्र नवरात्रि के पहले दिन जो ये अमानवीय घटना हुई है उसके खिलाफ मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हैं कि अगर आपसे प्रदेश नहीं संभल रहा हो तो आप इस्तीफा दो और उन अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई हो जिन्होंने रात को 1 बजे से 11 बजे तक और भी बड़ी जाति और हजब हो गई कि उस बच्ची को लेकर जब विधायक संजय यादव जबलपुर आ रहे थे तो उनको 4 बार रोका गया और एल्गिन अस्पताल में डॉक्टर्स कहते रहे कि अभी तक MLC के साथ में रिपोर्ट बना के नहीं भेजी गई है, इसलिए हम आगे कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोगों ने SP से बात करी, तब 1 घंटे बाद पुलिस पहुंची और 2-2.5 बजे के बाद उस बच्ची का इलाज और उस पर कार्रवाई शुरू हुई है, जो अपने आप जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत कम है और इस घटित अपराध का जितना भी विरोध जबलपुर शहर की जनता करे वो भी कम है। लेकिन पूरे प्रदेश की जनता अब चाहती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आप में थोड़ी भी इस बच्ची के प्रति जिम्मेदारी है तो तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके बताएं और नहीं तो खुद इस्तीफा दें। आज इसके उपलक्ष्य में अभी रसल चौक पे आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के प्रति अविश्वास बताते हुए जबलपुर शहर के नागरिकों ने, कांग्रेस पार्टी के साथियों ने, हमारी माताओं बहनों ने पुतला दहन किया शिवराज सिंह जी का कि आपके राज में ये सब दुष्कर्म जो हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं,
अभी महू की घटना का शाही सूखी नहीं थी और ये नई घटना हो गई। इसके पहले शेपुरा में 3 बच्चियों के साथ पहले भी दुष्कर्म और बलात्कार की घटनाएं हो चुकी। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।